हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। सो दैट इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस रूट टू टी साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी ओवर टी डी टी। तो काम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने बताया, ई टू पावर को छोड़कर बाकी सबका आप लोग क्या कर लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहले चलते हैं न्यूमरेटर पर। इस पर वी कैन राइट लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ साइन टी इंटू साइन टी इक्वल्स टू, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, तो क्या हो जाएगा, दैट इज लाप्लास ऑफ दिस इज नथिंग बट ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर माइनस टी ओवर टू, ये आ गया आपका इंटू साइन टी, राइट। अब आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई टू पावर टी साइन टी माइनस लाप्लास ऑफ ई टू पावर माइनस टी साइन टी। तो अब अपना एप्लीकेशन पार्ट लगा लीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, डायरेक्टली फॉर्मूला इसका, सो दैट इज 1/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन s-1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 हो गया, राइट, माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा इसका, दैट इज s प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -1, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, राइट। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपने क्या करना है, डिवीजन प्रॉपर्टी लगानी है। इसको ओपन नहीं करना, ओपन कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, राइट। तो चलते हैं बाय डिवीजन प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ साइन टी इंटू साइन टी ओवर टी। तो इसके लिए एफ बार का एस क्या है, जो आपने निकाला है अभी, सो दिस इज इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1/2 दैट इज 1 अपॉन s-1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s+1 स्क्वायर प्लस 1 ds, राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 तो ये हो गया 1/x² + a² टाइप, तो क्या लिख लेंगे इसको डायरेक्टली, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ s-1, आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ s+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ, दैट इज s टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन dx ओवर x² + a² दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है ऑलरेडी, तो इसलिए आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। सो स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूला लगा दिया आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 + ab, राइट। तो इसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो दैट इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ, तो कितना आ जाएगा ऊपर से, दैट इज s-1, ये हो जाएगा माइनस एस और माइनस वन, नीचे 1 + a + b a - b दैट इज a² - b² और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ, दैट इज s टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसके बाद में आपका कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये s से s कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ दैट इज -2/s² और व्हाट वी कैन राइट दिस, tan इनवर्स ऑफ -x इज -tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको लिख लेंगे माइनस, लिमिट आ जाएगी यहाँ पर s टू इन्फिनिटी, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ x इज -tan इनवर्स ऑफ x, तो दिस इज -tan इनवर्स ऑफ 2/s², राइट। अब आप इस पे अपनी लिमिट लगा दीजिए,
तो लिमिट रखेंगे इस पर तो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस वन बाई टू, दिस इज अपर लिमिट लगाए तो टू बाई इन्फिनिटी दैट इज टेन इनवर्स ऑफ जीरो, राइट, माइनस लोअर लिमिट दैट इज टेन इनवर्स ऑफ टू बाई एस स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो टेन वर्स जीरो इज जीरो हो गया, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस वन बाई टू, टेन वर्स इज जीरो माइनस टेन इनवर्स ऑफ टू बाई एस स्क्वायर, सो माइनस माइनस इज प्लस, दिस इज वन बाई टू टेन इनवर्स ऑफ टू बाई एस स्क्वायर, सी दिस इज फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं बाई डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, दैट इज जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, दैट इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ टी। तो अब इसमें आप एफ टी की वैल्यू चेंज कर रिप्लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, दैट इज जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी हाइपरबोलिक ऑफ साइन टी इंटू साइन टी ओवर टी डी टी, दैट इज इक्वल्स टू एफ टी की जगह क्या रखा आपने, दैट इज लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ साइन टी इंटू साइन टी ओवर टी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला है तो कितना निकला है, दैट इज वन बाई टू टेन इनवर्स ऑफ टू बाई एस स्क्वायर, यहां लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट। अब अपना इंटीग्रल देखिए एक बार, तो इंटीग्रल जब देखेंगे तो यहां पर क्या सिर्फ रूट टू है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें आप रूट टू रख देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इंटीग्रल के हिसाब से अपना रूट टू रख देना है, तो ई टू पावर माइनस रूट टू टी साइन हाइपरबोलिक टी साइन टी बाई टी, तो रिजल्ट में रख दिया हमने रूट टू दैट इज वन बाई टू टेन इनवर्स टू बाई एस स्क्वायर था तो रूट टू आ गया, रूट टू का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज वन बाई टू टेन इनवर्स दैट इज टू बाई टू, राइट, ये टू से टू कैंसिल हो गया, दैट इज वन बाई टू टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन कितना होता है, दैट इज पाई बाई फोर, सो दिस इज पाई बाई एट, सो दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।